हेलो व्हाट्सअप गाइस आज हम इस वीडियो में देखेंगे रिडक्स रिड्यूसर फंक्शन इन आर रिएक्ट एप्लीकेशन तो गाइस uh, सबसे पहले तो अभी तक अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा अबाउट व्हाट इज रिडक्स देन आई हाईली रिकमेंड प्लीज चेक आउट दिस ऑसम वीडियो एंड हमारे रिएक्ट वर्जन 19 का कंप्लीट सीरीज को भी जरूर चेकआउ कीजिएगा लेकिन अब हम चलते हैं सीधा हमारा सेकंड वीडियो दैट इज अबाउट रिड्यूसर फंक्शन सबसे पहले अगर आपने इससे पहले रिएक्ट में अगर आपने यूज़ रिड्यूसर हुक के साथ काम किया तो कहीं ना कहीं आप बहुत इजीली रिलेट कर जाओगे एंड आपको बहुत मज़ा आने वाला है सो so, यहाँ पे बहुत क्लियरली देख सकते हो गाइस इन्होंने क्लियरली बोला एक रिड्यूसर क्या गाइस इट्स अ फंक्शन ये एक फंक्शन है ठीक है जो कि ये डिसाइड करता है हाउ द स्टेट शुड चेंज बेस्ड ऑन द एक्शन एक्शन के बेस पे स्टेट को कैसे चेंज करना है या कैसा चेंज होना है वो कौन डिसाइड करता? करता है आपका रिड्यूसर फंक्शन डिसाइड करता है द रिड्यूसर ठीक है आप ध्यान से देखना है ये, ये जो रिड्यूसर है इट टेक्स द करेंट स्टेट एंड एन एक्शन एंड रिटर्न अ न्यू स्टेट डोंट वरी मैं पूरा सिंटेक्स देन थ्योरी देन प्रैक्टिकल सब कुछ इस वीडियो में करके बताने वाला हूं तो आप प्लीज इसको चेकआउट कीजिए तो आप बेफिकर हो कि वीडियो को एकदम आराम से देखिए एंड अगर आपको थ्योरी में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं डायरेक्टली आप प्रैक्टिकल देखना चाहते हो देन चैप्टर्स या टाइम लाइन ऑलरेडी एडेड है आप उसको इस पार्ट को स्किप करके आप डायरेक्ट प्रैक्टिकल वाला पार्ट देख सकते हो ठीक है अब दो चीज है जो आपको लाइफ में नहीं बोलना है जब भी आप प्रोडक्ट्स में काम करोगे सबसे पहले ये जो रिड्यूसर फंक्शन है इट मस्ट ऑलवेज रिटर्न अव स्टेट ऑलवेज एक न्यू स्टेट को इसको रिटर्न करना ही पड़ेगा एंड द सेकंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दिस शुड नेवर मोडिफा मॉडिफाई द ओल्ड स्टेट डायरेक्टली जो भी ओल्ड स्टेट है आप उसको डायरेक्टली यहाँ पे मॉडिफाई या म्यूटेट नहीं कर सकते दैट्स ऑय ऑलवेज हम स्प्रेड ऑपरेटर का यूज़ करते टू डुप्लीकेट द डेटा तो ये दो चीज़ अगर आप याद रखोगे तो कैसे आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा रिडक्स में काम करने के लिए कभी भी आपको ओल्ड स्टेट को डायरेक्टली चेंज नहीं करना है सेकेंड आपको ऑलवेज न्यू स्टेट को रिटर्न करना ही पड़ेगा ठीक है थोड़ा सा और समझ लेते कि आखिरकार ये रिड्यूसर फंक्शन का सिंटेक्स क्या है ये दिखता कैसा है तो यहां पे आप बहुत क्लियरली देख सकते हो गई अगर मैं आपको दिखाऊं सो so, अब अगर यहां पे मैं आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हो ये जो दिखाई दे रहा है ये आपका सिंटेक्स है फंक्शन रिड्यूसर एंड देन क्या कहा था इट टेक्स टू आर्ग्यूमेंट एक है आपका स्टेट एंड द सेकेंड वन इज योअर एक्शन ठीक है इसका अगर मैं आपको डेफिनेशन भी दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्टेट दिस दिस इज व्हाट योर करेंट स्टेट एंड देन गाइस वी हैव दिस एक्शन जो रिड्यूसर को बताता है कि क्या करना है इट हैज अ टाइप एंड समाइम्स अ पेलोड अगेन ध्यान से देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा है इट हैज अ टाइप एंड समाइम्स अ पे लोड इज द डेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक्शन के अंदर वी हैव समथिंग कॉल्ड टाइप एंड देन अ पे क्या होता है मैं आपको बताता हूं एंड बूम गाइस सी मैंने कहा ना बहुत मजा आएगा तो यहाँ पे अब आप, आप देख सकते हो कि ये जो लाइन में कहा गया था कि एक्शन के पास टाइप होता है एंड देन पे लोड होता है तो वो ये है दिस इज योर एक्शन इस एक्शन के पास वी हैव समथिंग कॉल्ड डॉट टाइप मेथड जो ये पता लगाता है कि कौन सा एक्शन मुझे परफॉर्म करना है एंड वो कैसे पता चलेगा विद द हेल्प ऑफ स्विच केस सिंपल। वी हैव अ मल्टीपल केस एंड देन साथ ही साथ एक्शन डॉट पेलोड यहाँ पे देख लो दिस इज योर टाइप एंड देन दिस इज योर पेलोड। पेलोड आप ये समझ लो कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो हम शेयर कर रहे हैं उस ऑपरेशन को परफॉर्म कराने के लिए जैसे अगर इंक्रीमेंट करना है मुझे है ना तो मैं पेलोड में क्या भेजूंगा कि भाई प्लस फाइव मतलब मेरे को पाँच से इंक्रीमेंट करना है मैं बता रहा हूँ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भाई एक से नहीं प्लस फाइव से तो यहाँ पे एक्शन डॉट पेलोड में भी लाइक न्यूमेरिक फाइव वैल्यू हो सकती है जैसे हम टू डू एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हैं तो हमारा एक्शन डॉट पेलोड में यूजर ने क्या टाइप किया वहाँ पर बाई मैंगो बाई एप्पल कुछ इस तरीके से हो सकता है एंड यहाँ पर भी मैंने कहीं अबाउट आवर स्विच स्टेटमेंट लिखा हुआ है यहाँ पर देख सकते हो बहुत क्लियरली यूज स्विच स्टेटमेंट टू चेक द एक्शन टाइप ठीक है बेस्ड ऑन दी एक्शन टाइप द रिड्यूसर अपडेट द स्टेट ऑब्वियसली एक्शन का टाइप क्या उसके बेस पे हमें बेसिकली uh, हमारा जो रिड्यूसर फंक्शन है उसके जो स्टेट है उसको वो अपडेट करेगा बेसिकली न्यू स्टेट को वो रिटर्न करेगा एंड कभी भी ओल्ड स्टेट को डायरेक्टली म्यूटेट या अपडेट नहीं करेगा ये आपको ध्यान में रखना है ठीक है एंड दे आर सम बेस्ट प्रैक्टिसेस जब आपको आई uh, मीन I mean, जब आप काम करोगे रिड्यूसर फंक्शन में तो आपको उसको फॉलो करना जरूरी है फॉर एग्जाम्पल जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत क्लियरली कि ये जो एक चीज़ दिखाई दे रहा पहले है पहले हम नॉर्मल इस तरीके से ही लिखते थे जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं बट आजकल ऐसा कहा जाता है इवन जब आप डेप टूल्स देखोगे तो वहाँ पे ना आपको कुछ एक ट्रिक बोलते हैं दैट इज टू यूज द डोमेन स्टेट डोमेन एंड द इवेंट दिस इज द डोमेन या आप स्टेट इसको कह सकते हो जहाँ पे आप कौन से प्रोजेक्ट के साथ काम करें उसका मेन स्टेट क्या है जैसे हमारा टास्क हमें लाइक टू डू एप्लीकेशन क्रिएट करना इधर यू कैन एड अ टास्क और आप डायरेक्टली लिया तो टू तो डू लिख दो बट आप फॉरवर्ड स्लैस क्या करना है आपको स्टूडियो एप्लीकेशन में क्या, क्या करना है क्या ऐड करना है क्या डिलीट करना है तो इवेंट कौन सा आपको करना है तो इस तरीके से गाइस आपका जो एक्शन का नाम है बेसिकली एक्शन टाइप दिस इज योर एक्शन कि कौन सा एक्शन आपको परफॉर्म करना है भाई टास्क है मेरा एडिशन का भाई टास्क है मेरा डिलीट करने का तो वो आपको यहाँ पे देखो ये जो केस है इस जगह पर आपको इस तरीके से लिखना रहता है ठीक है यहाँ पर बता भी रहा है देखो ना एक्शन टाइप्स ठीक है आई थिंक आई यूज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेट डोमेन लाइक टास्क एंड अ इवेंट लाइक एड सेपरेटेड बाय अ स्लैश फॉर एग्जांपल टास्क हाइफन फेन एड देन इम्यूटेबल स्टेट नेवर डायरेक्टली चेंज दिस स्टेट ऑलवेज रिटर्न अ न्यू स्टेट ऑब्जेक्ट यूजिंग ये देखो यहाँ पे ये चीज ये गाइस आप आप एक चीज़ समझ लो यहाँ पे ये जो दिख रहा है आपको ये वाला जो पर्टिकुलर पार्ट है इफ यू वांट आप रट लो मैं तो यही बोलता हूँ अगर आपको ऐसा लग रहा है बट ये बहुत ही सिंपल है कभी भी हम डायरेक्टली जो हमारा ओल्ड स्टेट है उसको गाइस अपडेट नहीं कर सकते डैट्स वाई वी आर स्प्रेडिंग आवर डेटा इंटू व न्यू ऑब्जेक्ट इस तरीके से एंड देन उसके अंदर कोई भी एक डेटा करके प्रॉपर्टी में सिर्फ उसको अपडेट कर रहा हूँ बाकी सब एज इट इज़ रहेगा तो ये गाइस इतना ही था हमारा रिड्यूसर uh, को लेके अब मैं इसको आपको प्रैक्टिकल करके बताता हूँ तो आपका गाइस सब कुछ यहाँ अब सेट हो जाएगा ठीक है तो uh, हम चलते हो वही हो सो so गाइस आप देख सकते हैं कि मैं अपने वीएस कोड एडिटर पे आ चुका हूँ एंड मैंने ऑलरेडी एक फोल्डर क्रिएट किए जिसका नाम है रिडक्स हाइफन आई मीन रिएक्ट हाइफन रिडक्स हाइफन यूट्यूब ताकि मुझे पता चल जाए ठीक है सो so, अब हमें क्या करना है गाइस ऑब्वियसली हमें रिडक्स के साथ काम करना है बट रिडक्स अल्टीमेटली क्या है गाइस एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है एक लाइब्रेरी है जिसको मैं रिएक्ट के साथ यूज़ करना चाहता हूँ सो नो मैटर व्हाट्सप सबसे पहले मुझे रिएक्ट को इंस्टॉल करना पड़ेगा तो रिएक्ट को इंस्टॉल करने से पहले वी नीड टू यूज दी वीट है ना वीट के थ्रू हम रिएक्ट को इंस्टॉल करेंगे सो एन पी एम क्रिएट ठीक है इस तरीके से लिखना है क्रिएट वीट एट द रेट लेटेस्ट ठीक है ये करो एंड देन आपसे पूछेगा प्रोजेक्ट का नाम तो आप लिख दो रिडक्स हाइफन यूट्यूब हाइफन थापा चाहो तो आप भी ये लिख दो ताकि आपको पता चल जाए देन रिएक्ट सिलेक्ट करो जावास्क्रिप्ट स्क्रिप्ट सेलेक्ट करो दिस इज इट है ना सो so, यहाँ पे आके सी डी एंड देन इसको जाना है एन पी एम इंस्टॉल करना है ठीक है एंड देन सिंपल आपको एन पी एम रन ये लिख के छोड़ देना है तो आज इस वीडियो में रिडक्स को कैसे इंस्टॉल करना है वो तो मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत ही ईजी है एंड मुझे नहीं लगता कि आज रिड्यूसर फंक्शन को क्रिएट करने के लिए हमें एक्चुअल में रिडक्स की नीड भी है राइट right? सो so मैं क्या करता हूँ एन पी एम रन एंड देन डेब ठीक है इसको मेरा फाइव वन सेवन फोर पर चलेगा क्योंकि सेवन थ्री पर ऑलरेडी कुछ रन हो रहा है एंड क्या है वो मैं आपको बताता हूँ सो गैस थ्रू आउट दिस एप्लीकेशन जो टूडो एप्लीकेशन है इस पर हम काम करने वाले हैं जहाँ पे आप लिख सकते हो बाय ग्रेप्स तो है एप्पल मुझे गुआबा आई गेस तो एंटर हेट करूंगा तो देखो बाय गुआबा आ गया ग्रेप्स मुझे नीचे तो मैंने हटा दी दि, डिलीट हो गया तो ये जो सब कुछ हो रहा है यहाँ पे प्योर रिडक्स की मदद से हो रहा है ये ब्यूटीफुल सा टू डू एप्लीकेशन मैं आपको बनाना सिखाऊंगा हम देखो प्रोजेक्ट सिंपल है एंड मैं जानबूझ के अब सिंपल रखता हूँ ताकि आपको एक एक चीज़ मैं एकदम डिटेल में समझा सकूँ क्योंकि कॉम्प्लेक्स रहेगा तो फिर आपको समझेगा ही नहीं फिर हो गया वो कल्याण हो गया फिर तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है वहां से आप समझ गए तो आप एडिट वाला फंक्शनैलिटी ऐड करना आप अपडेट वाली फंक्शनैलिटी ऐड करना है ना जो कि मैं ऑलरेडी रिएक्ट के थ्रू बता चुका हूँ राइट right? ओलट ठीक right. है सो so, ये मेरा रन कर रहा है हेयर इज माई ऑल द अप्लीकेशंस तो सबसे पहले चलते सोर्स ऐप डॉट जे एस इसको मारो गोली सो so, यहाँ पे हम एक काम करते हैं यहाँ पे सबसे पहले तो कॉन्स्ट जूम कर देता हूँ आप लोगों के आप लोगों के लिए हेलो रिडक्स रिडक्स को हेलो बोलते हैं है, है ना सब मिलके के so, सो या अब मुझे इसको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट भी करना पड़ेगा या एक्सपोर्ट डिफॉल्ट एंड देन वी हैव दिस ऐप दिस इज इट ठीक है ये मेरा काम हो गया तो अब अगर मैं यहाँ चलता हूँ सो इट्स फाइव वन सेवन फोर तो मुझे वो हेलो रिडक्स आना चाहिए परफेक्ट ठीक है मुझे ये आ रहा है ऑलराइट right. इसको रहने दो एक ध्यान से देखो दिस इज़ माई सोर्स मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ एंड ये यहाँ पर आप देख सकते हो वी हैव दिस न्यू फाइल ओवर ही इस पर मैं क्लिक करूँगा क्लिक करके मैं सोर्स के अंदर नॉट ओ या सो मैं क्या करता हूँ स्टो डॉट जे एस एक्स में ये टाइप कर रहा हूँ ठीक है ऑल राइट सो नाउ आई हैव स्टोर डॉट जे एस एक्स फाइल ठीक है सोर्स के अंदर मैं क्या करता हूँ स्टोर डॉट जे एस एक्स के अंदर हूँ अब मुझे मेरा रिड्यूसर फंक्शन को क्रिएट करना है तो हम कैसे क्रिएट करेंगे देखो आपको लिखना पड़ेगा कॉन्स्ट आपका रिड्यूसर का नाम मैं लिख देता हूँ टास्क रिड्यूसो क्योंकि हमने देखा टू डू एप्लीकेशन क्रिएट करने वाले रिड्यूसो ठीक है एंड कुछ इस तरीके से अब मैंने कहा था कि आपका ये जो टास्क रिड्यूसर इ टेक्स टू आर्गूमेंट दैट इज योर स्टेट एंड देन वन इज़ योर एक्शन अब ठीक है अब ये जो स्टेट है यह क्या है आपका एक इनिशियल स्टेट है ठीक है तो हम एक काम करते हैं लेट्स क्रिएट आवर इनिशियल स्टेट सो कॉन्स्ट इनिशियल स्टेट एंड इसको मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ क्योंकि फ्यूचर में बहुत सारी चीज़ें जो हम यहाँ पर एड कर सकते हैं इज लोडिंग इज एर ये अब फिल्टर करना या यू नो ग्रेड व्यू ये व्यू वो व्यू ऐसा वैसा यू you नो know, तो बहुत सारी चीज़ें आ सकती है इसलिए मैं यहाँ पर टास्क में एरे uh, बना के एंड हाँ बाय द वे एंड एक और चीज याद रखना गाइस आप इस तरीके से कभी भी असाइनमेंट ऑपरेटर यूज मत करना जब भी आप ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हो सो इट्स योर की वैल्यू पेयर है ना तो कॉलन आपको देना रहता है ठीक है दिस इज ठीक है अब इतने सारी चीजें मुझे इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि सबसे पहले तो अब ये जो मेरा करेंट स्टेट है ये हो जाएगा मेरा इनिशियल स्टेट ठीक है एटलीस्ट इसका इसका प्रॉब्लम तो अब दूर हो गया कोई प्रॉब्लम नहीं है अब यहां पे मैं चलूंगा इसके अंदर ठीक इसके अंदर सबसे पहले वॉट वी नीड वी नीड अ स्विच स्टेटमेंट ठीक है तो मैंने डायरेक्टली स्विच स्टेटमेंट रख दी एंड गाइज इफ यू डोंट नो वॉट इज स्विच स्टेटमेंट या वो टू यूज स्विच स्टेटमेंट देन आई हाईली रिकमेंड प्लीज गाइस बहुत मेहनत करके मैंने ये वर्ल्ड बेस्ट जावास्क्रिप्ट कोर्स किया इससे बेटर कहीं आपको मिलने वाला नहीं है बारह घंटे बारह घंटे एंड पाँच घंटे का तो ये जो पार्ट वन है बेसिक जावास्क्रिप्ट कंप्लीट कोर्स बारह घंटे का इसमें आप स्विच स्टेटमेंट फॉर फॉर लूप ईच ये सब वो सब देख लो आपको बहुत मजा आएगा ठीक है और right. राइट so, सो ये जो की है यहाँ पे आपको आपका एक्चुअल जो केस है वो पास करना रहता है अब वो हमें कैसे पता चलेगा कि यूज़र किस पर्टिकुलर केस को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा है तो ये जो एक्शन है यहाँ पे आपको एक्शन डॉट वी हैव दिस टाइप यहाँ पे आप फिलहाल तो दिख नहीं रहा बट वी हैव दिस टाइप प्रॉपर्टी जिसमें हम जब भी कोई भी एक्शन को डिस्पैच करेंगे तब वहाँ पे लिखा आ जाएगा कि मुझे इस पर्टिकुलर एक्शन को अब परफॉर्म करना है जैसे अगर कोई प्लस पे क्लिक करता है जैसे अगर किसी ने फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे किसी ने ये डिलीट बटन पे क्लिक की तो डिलीट पे हम एक एक्शन को डिस्पैच करेंगे कि मेरा जो टाइप है एक्शन का टाइप वो होगा डिलीट इस तरीके से तो वो यहाँ पर अब हमें मिलने वाला है अगर मुझे ऐड करना है जैसे बाय कुछ भी है ना तो अब मैं इस पर अगर क्लिक करूँगा तो मैं यहाँ पे एक एक्शन परफॉर्म करना करना चाहूँगा टू ऐड द डेटा तो वो इस तरीके से ठीक है तो आप देखो एक्शन डॉट टाइप अब यहाँ पे कौन कौन से एक्शन हो सकते हैं तो एक्शन के नाम ठीक है मैं टॉप पे चलूंगा हो भैया यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूँ लेट्स ए कॉन्स्ट मैं लिख देता हूँ इस तरीके से एड अंडर स्कोर टास्क एंड यहाँ पे मैंने अब भी आपको बताया है स्टेट आपका क्या होगा टास्क या तो आप टू डू भी लिख सकते हो एंड इवेंट होगा आपका एड ठीक है इस तरीके से तो ये जो है कॉपी करो यहाँ पे आप पेस्ट कर दो तो आपका एक नया केस बन के रेडी है सबसे पहला केस क्या किसी ने ये ऐड टास्क करके कोई एक्शन को डिस्पैच किया है ऑब्वियसली जब भी हम इस पर क्लिक करेंगे तो इस वाले पर्टिकुलर केस को हम फायर करना पसंद करेंगे तो इसको मैं अब हटा रहा हूं ऐड टास्क अब हम कोई भी डेटा को कैसे ऐड करेंगे तो क्या देखो ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है इट्स सुपर इजी रिटर्न आपको कलिब्रेसिस ठीक है अब ध्यान से देखो दिस इज आवर स्टेट एंड uh, फिलहाल ये जो स्टेट की वैल्यू है वो है ये वाली स्टेट एक चीज हमें ऑलवेज मिक्स्योर करना है इन योर रिडक्स एप्लीकेशन एंड डैट इज कभी भी आपका जो ओल्ड स्टेट है उसको आप म्यूटेट नहीं कर सकते डायरेक्टली अपडेट नहीं कर सकते डैट्स वाई वी विल मेक अ कॉपी ऑफ इट या दिस इज इट सो मैंने मेरा जो ओल्ड स्टेट था उसको मैंने स्प्रेड कर दी एंड एक न्यू ऑब्जेक्ट पे यहाँ पे ऐड कर दिया ठीक है एक न्यू प्रॉपर्टी आप कह लीजिए जो भी तो इस तरीके से अब मेरे को कोई टेंशन नहीं है मैंने उसके मैंने बेसिकली हमारा जो भी स्टेट रहा है उसका एक कॉपी बना ली है अब हमारे उस ऑब्जेक्ट में मुझे किसको अपडेट करना है मुझे तो टास्क को अपडेट करना है ना सो बेसिकली टास्क ठीक है विल बी इक्वल टू देखो ध्यान से देखना ये आपका एक एरे है सो माई वैल्यू विल बी एरे ऑनली अब उसके अंदर भी बहुत सारे डेटा हो सकते हैं ना प्रीवियस वाले डेटा जैसे पहले की स्टार्टिंग में ऑलरेडी यहाँ पे चार है तो मैं नहीं चाहूँगा कि बस मैं एक न्यू डेटा इस तरीके से ऐड करूँ नहीं प्रीवियस डेटा एज इट इज रहे कॉमा एंड देन जो मैं ऐड कर रहा हूँ एट दी एंड में वो ऐड हो जाए तो एकदम एंड में ऐड करना तो इट्स बच्चों वाला काम एक्शन डॉट पेलोड ठीक है ये हमें डेटा मिलता है इस तरीके से पेलोड बेसिकली मैं वहाँ पे जानबूझ के पेलोड ही लिखूंगा डोंट वरी जब हम एक्सेंस देखेंगे बट अभी आप समझ जाओ एक्सेंस डॉट पे इट मीन्स कि यूजर ने यहाँ पे क्या टाइप की वो डेटा तो मैंने ऐड कर दी लेकिन मैं अब ये कैसे मेक श्योर करूँ कि मेरे जो प्रीवियस डेटा है वो एज इट इज़ एकदम सेफ वहाँ पर रहे तो सिंपल है ना जैसे जब आप ये जो आपका ओल्ड स्टेट आप चाह रहे थे एज इट इज रहे उसके लिए आपने क्या की स्प्रेड कर दिया उस स्टेट को इंटू अ न्यू ऑब्जेक्ट राइट तो सेम यहाँ पर भी वही करना है स्टेट जो है उसके अंदर वी हैव अ टास्क तो स्टेट के अंदर वी हैव अ टास्क अब बस क्या करना है डॉट 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 खत्म हो गया मेरा काम समझ रहे हो तो इस तरीके से गाइस इसे आपका काम करता है पहले तो इसकी मदद से मैंने कंप्लीट इसका एक डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट बनाई एंड देन टास्क के अंदर गया उसमें भी मेरे जितने भी प्रीवियस डेटा था उसको मैंने एज इट इज रखा स्प्रेड कर दी मतलब उसका भी डुप्लीकेट यहाँ पे रखा एंड देन अब जब भी कोई नया ऐड करेगा एट द एंड में वो ऐड हो जाएगा तो ये इंपॉर्टेंट है ये कभी आपको भूलना नहीं है हर बार ये आप करना ही पड़ता है आपको ठीक है ठीक है ये एक आपका एक केस बन के रेडी उसी तरीके से लेट्स इमेजिन वी नीड टू मेक वन मोर केस एंड दैट इज़ नथिंग बट ये डिलीट वाला केस जब भी कोई इस डिलीट वाले बटन पे करेगा क्लिक तब कौन सा केस मुझे फायर करना है कौन सा एक्शन मुझे परफॉर्म करना है एंड दैट टाइम माई एक्शन नेम विल बी वॉट इसी को कॉपी करता हूँ मैं यहाँ पे एक बना लेता हूँ एंड दैट इज लाइक डिलीट डिलीट टास्क एंड ऐड के बदले मैं यहाँ पे कर देता हूँ डिलीट तो ये जो डिलीट टास्क है मैं यहाँ पे इस तरीके से ऐड कर दूँगा अब कोई भी डेटा को अगर मुझे डिलीट करना हो तो मैं कैसे उसको डिलीट कर सकता हूँ सोचो कैसे कर सकता हूँ राइट तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना समझने के लिए मैं अगर इस पर्टिकुलर फर्स्ट वाले को अगर देखो जानवर्च के मैंने यहाँ पे जीरो वन टू इसलिए रखा ताकि आप मेक श्योर sure कर सको कि इन सब में एक ऐसा यूनिक आइडेंटिटी क्या है जिसके थ्रू मैं ये फाइंड आउट कर सकूँ कि दिस पर्टिकुलर क्लिक या जो भी है इस पर्टिकुलर से मिलता जुलता है तो कहने का मतलब यही है कि मैं जिस पे भी हबर कर रहा हूँ एक चीज़ तो कंफर्म मुझे पता चल रहा है कि भाई अगर ये जीरो है तो अब जीरो किसी और की वैल्यू नहीं होने वाली ये वन है तो वन किसी और की वैल्यू नहीं होने वाली तो एक यूनिक आइडेंटिटी हमारे केस में ये आईडी नंबर है तो द मोमेंट इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो मैं ये शेयर करूंगा मेक श्योर कि यूज़र ने किस लिस्ट uh, बेसिकली एक एल है किस लिस्ट को क्लिक की एंड जब क्लिक किया तो उसका आई नंबर क्या था तो उस आई नंबर को मुझे गेट करना है एंड देन हमारे ये जो टास्क है ठीक है टास्क के अंदर जितने भी मेरे आ, लिस्ट तो ऑलरेडी रहेंगे ना मेरे टास्क के जितने भी है उसको मैं इससे मैच कराऊंगा लूप के थ्रू या जो भी फिल्टर के थ्रू मैं मैच कराऊंगा जो मैच करके उसको छोड़ के बाकी रिटर्न कर दो ठीक है तो देखो कैसे होता है अब ये तो चलो आपको पता चल गया मैंने जानबूझ के डिलीट में क्या करूँगा रिटर्न लिखने से पहले मैं यहाँ पर अब वो केस लिखने जा रहा हूँ कॉस्ट अपडेटेड अपडेटेड टास्क विल बी इक्वल टू देखो ध्यान से देखना अब यहाँ पे आप मिक्सर करो वी हैव दिस टास्क ठीक है सो अगेन स्टेट डॉट टास्क टास्क तो मैं डायरेक्टली लिख ही नहीं सकता ना कभी भी क्योंकि वो एक स्टेट इक्वल टू इनिशियल स्टेट मतलब इनिशियल स्टेट डॉट टास्क ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को अगर आपको एक्सेस करना है देन वी नीड टू यूज द डॉट नोटेशन तो वही हुआ ना स्टेट डॉट टास्क मतलब मुझे सब कुछ एरे का डेटा मुझे आ गया तो फिर तो नॉर्मल है बच्चों वाला लेट्स गो विथ फिल्टर मेथड ठीक है यहाँ पे मैं वी हैव अ करेंट टास्क देन वी हैव दिस इंडेक्स नंबर एंड एक रिटर्न uh, देन हम क्या करेंगे मेरा ये जो भी इंडेक्स है ठीक है ये वाला इंडेक्स बाय द वे ये जो भी इंडेक्स रहेगा तो अब ये जिससे भी मैच ना हो सिर्फ उसको रिटर्न कर देना एंड जिससे मैच हो उसको रिटर्न मत करना मतलब डिलीटी हो गया ना एक प्रकार से सो so, अब आपको ये सोचना है यहाँ पे कि यूजर ने जिस पे क्लिक किया वो आईडी मुझे कहाँ से मिलेगा आई नो आपके माइंड में वही डाउट आ रहा है लाइक like, क्योंकि कुछ आइडिया है ही नहीं कि भाई आईडी कहाँ है आई मीन यूजर ने जब क्लिक किया इस पर ठीक है मुझे तो मालूम इसकी आईडी वन है बट यहाँ पर कैसे पता चलेगा तो यहाँ पे गाइस कैसे पता चलता है मैं आपको बताता हूँ कभी भी अगर आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की नीड हो चाहे कुछ भी हो जाए आपको अगर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए देन ऑलवेज गो विथ एक्शन डॉट पेलोड दिस इज इट कुछ भी नहीं सोचना आपको एक्सन डॉट पेलोड जो है यहाँ पे आपको पेश कर देना है खत्म आपका काम क्यों हम ऐसा करते हैं पता है इसलिए करते क्योंकि मुझे मालूम है कि जब मैं इस पर्टिकुलर डिलीट बटन पे वो इवेंट फायर करूंगा ना जब डिफाइन करूंगा फंक्शन को तब मैं इस uh, मैं आपको आगे बताऊंगा ये वाले जो एक्शन को जब मैं डिस्पैच करते समय ये जो एक्शन डॉट पेलोड में मैं वो आईडी भेज चुका हूँ तो हम बहुत ईजीली उसको गेट कर सकते हैं बट फिलहाल अभी आप समझ जाइए इस तरीके से अब ये जो अपडेटेड टास्क इसको मैं कॉपी करूँगा अब इस जगह पर मैं उसको पेश कर दूँगा एंड ये कुछ तो ये सिलेंड का इशू है ये एंटायर फाइल ठीक है दिस इज़ इट तो मेरा काम हो गया सो so, हमने क्या बनाया क्या इस हमने रिड्यूसर फंक्शन बनाए फॉर टू एक्शंस पहला तो अगर कोई चाहता है टास्क को ऐड करना तब उसके लिए ये एक हमने केस रेडी की एंड देन सेकेंड हमने देखा कि अगर किसी को डिलीट करना हो तो उसके लिए हमने ये एक एक्शन हमारा बन के रेडी है रिड्यूस ऑफ फंक्शन अब एट दी एंड में हमने ऑलवेज बताया कि नो मैटर वॉट आपको नए स्टेट पास करना ही करना है सो so, डिफॉल्ट में आप आ, रिटर्न स्टेट एज इट इज आप रिटर्न कर दीजिए दिस इज इट ये आपको करना ही पड़ेगा सो या गाइस दिस इज इट ये जो अभी आपको दिखाई दे रहा है दिस इज वॉट आवर रिड्यूसर फंक्शन एक्चुअली लुक्स लाइक एंड यहीं पर ही आपका सारा का सारा एक्शन के बेस पे कौन सा ऑपरेशन को परफॉर्म करना है वो हम मेकश्योर करते हैं सिंपल ठीक है सो गाइस so आप कल की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे आप स्टोर को क्रिएट कर सकते हो एंड देन कैसे आप ये जो पर्टिकुलर एक्शंस uh, है या ये जो पर्टिकुलर आपके जितने भी टास्क है उसको आप कैसे डिस्पैच या परफॉर्म कर सकते हो मैं कल के वीडियो में बताऊंगा एंड बहुत मजा आएगा बट आई होप एटलीस्ट इतना आपको पता चल गया होगा स्टेट एंड देन एक्शन ठीक है स्टेट इज नथिंग बट योर करंट स्टेट विच इज़ लाइक योर इनिशियल स्टेट कभी भी आपको इस तरीके से डायरेक्टली जो ओल्ड डेटा है उसको म्यूटेट नहीं करना है डैट्स वाई ऑलवेज यूज स्प्रेड ऑपरेटर एंड देन सेकेंड थिंग अगर कभी भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की नीड आती है आप कुछ मत सोचो डायरेक्ट एक्शन डॉट पे एंड हम पे इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि जब मैं आगे एक्शन uh, को डिस्पैच करने जाऊंगा ना बेसिकली जब मैं इस पर्टिकुलर केस को जब मैं कॉल करूंगा तब मैं खुद बोलूंगा वहां पे पे इक्वल टू ये वाली वैल्यू अगर मैं वहां पे लोड के बोले थापा लिख दूंगा ना तो मैं यहाँ पे एक्शन डॉट थापा लिखूंगा मैं तो ऐसा पे जस्ट एक नाम दिया गया है कि आप यूज़ करो तो ये अच्छा लगता है एल्स ये कोई मैंडेटरी नहीं कि आपको पेलोडी ओडी लिखना कुछ भी लिख सकते हो आप ठीक है सो या दिस इज इट तो ये था आपका रिड्यूसर इस कुछ भी अगर डाउट हो तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन मैंने पूरा थ्योरी समझाई विथ एनिमेशन देन वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप हमने समझा कैसे हम इसको कर सकते हैं ठीक है guys, आपके साथ शेयर करना चाहूंगा दैट इज की जो पर्टिकुलर पार्ट part है यहाँ पे ये यह परफेक्ट है बट एक चीज़ हमने थोड़ी सी मिस्टेक की है बस यहाँ पे एंड डैट इज़ कि ये जो मेरा अपडेटेड टास्क है ये ऑलरेडी एक एरे है जिसके अंदर जो हमें डिलीट करना था वो डिलीट होकर हमें मिल चुका है तो हमारा जो प्रीवियस डेटा है उसको पाके देन उसको अपडेट करने की कोई नीड नहीं है हम क्या करेंगे इसको हटा के जो हमारा डेटा है वो मैं डायरेक्टली पेस कर सकता हूँ इस तरीके से तो ये एकदम परफेक्ट है यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम हमें नहीं होने वाली सो गैस कल की वीडियो में हम क्या देखने वाले मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुका हूँ एंड मैं आशा करता हूँ बहुत ही ज़्यादा मजा आया होगा सो गैस प्लीज़ रिएक्ट वर्जन 19 प्लेलिस्ट को कंप्लीट कीजिएगा एंड अगर आपको वीडियो पसंद आता तो लाइक कीजिए दोस्तों के साथ भर भर के शेयर कीजिएगा और नेक्स्ट आगे टे सेवन लैक् सब्सक्राइबर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कीजिएगा मिलता हम कल की वीडियो में टिल दन गाइज थैंक यू सो मच टेक केयर